हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सी आर एस व्लॉग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में खेती के बारे में। यहाँ किस चीज़ की खेती होती है, खेती में ज़्यादा क्या उगाते हैं, खेती कैसे करते हैं। तो गाइज, अभी हम घर से निकले हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। अभी बताएंगे आपको उधर खेती कैसे करते हैं, कितना बड़ा होता है खेत, खेती में ज़्यादातर क्या होता है, पानी। कई लोग बोलते हैं इधर पानी भी नहीं है, तो आपको सब पूरा डिटेल के साथ बताने की कोशिश करें। तो गाइज, अभी हम जंगल की ओर जा रहे हैं। हेलो गाइज, हम अभी जंगल में आ गए हैं और इधर ज़्यादातर धूल ज़्यादा होती है और पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, लेकिन गाड़ियाँ अच्छी होती है इधर, फंसने की संभावना नहीं है और बहुत गाड़ी होती है सब। तो गाइज, हम आपको अभी उधर ले कर चलते हैं जहाँ फसल उगई है, क्या किस चीज़ की फसल है। ये देखो, अभी आ गए हम, करीब आ गए हैं इधर। ये देखो फुहरा लगा है, सही चल रहा है, फुहरा तो चल रहा है, बताएंगे आपको पूरा दिल के साथ। तो दोस्तों, ये दिख तो घास जिस तरह है, लेकिन कुछ नहीं है, क्या है ये। और कई लोग बोलते हैं गांव में कि सऊदी में पानी नहीं है, उधर पीने के लिए भी पानी नहीं है, पानी है भी नहीं, बहुत कम है और महंगा भी मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, इधर सेम रेट में पानी मिलता है इंडिया और यहाँ, और बहुत पानी है। पता करेंगे, पूछेंगे ट्यूबवेल के अंदर कितना नीचे पानी है, वो भी पूरा आपको बताएंगे। और अभी देखो गाइस, हम करीब जा रहे हैं, इसके फुहरा चल रहा है, टायर लगा है, देखो बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे टाइप लगा है, जैसे ट्रैक्टर का होता है उसे। और इतना लंबा है, वो कैसे चलता है, किससे क्या मशीन लगा है, पूरा भी बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो बहुत बड़ा टायर है, वो टायर के दोनों साइड बीच में बड़ा पाइप लगा है लोखंड का, शायद भारी होगा, बहुत भारी होगा, इसलिए भी इतने बड़े को चला रहा है। ये जो सिस्टम है पूरा इधर होता है, क्योंकि इधर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए ये चलता है सिस्टम। और तो दोस्तों, ये राउंड में घूमता है चारों तरफ, ऐसे नहीं कि और इसमें ऐसे रहता है, कैसे चलता है कैसे, तो ये राउंड में घूमता है चारों तरफ, गोल पूरा राउंड है जो पूरी रात। ये देखो, ये पहिया भी राउंड में घूम रहा है, दिख रहा है आपको। और ये अलग अलग फुहरा लगा है, छोटा बड़ा। तो दोस्तों, ये है इसके अंदर मशीन, ये देखो जॉइंट भी लगा है, चल रहा है दोनों टायरों को, बीच में जॉइंट लगा है। और ये है मशीन, छोटा मशीन है, हर टायर के पीछे रहता है। ये कम से कम 1000 फीट लंबा है, 1500 फीट लंबा है, और ये टायर के बीच में मशीन लगा रहता है, जो कि हर टायर के बीच में मशीन है, और उसको अच्छी तरह से बैक किया है ताकि पानी नहीं चले अंदर। ये देखो फुहरा है, इसमें थोड़ा इतना पता नहीं चलता है, और गोल राउंड में फुहरा घूमता है। और ये देखो बैक चलता हो गया, आपको दिख रहा होगा, चल रहा है टाइम, और इसमें टाइम सेट होता है। जैसे अभी शाम को स्टार्ट किया इसको, तो इसमें शाम को टाइम सेट करके रख देते हैं, तो ये हर 2 मिनट के बाद आगे बढ़ता है रुकता है, 2 मिनट के बाद आगे बढ़ता है रुकता है। ये शाम को स्टार्ट करते हैं, सुबह बंद कर देते हैं, ताकि पूरा जो राउंड है 12 घंटे का राउंड है, वो पूरा राउंड करके इधर आ, और इसके ऊपर बंद होने के बाद ऊपर मशीन लगा है जो आवाज़ देता है बंद होते ही। ज़्यादा स्पीड भी होता है, स्लो भी होता है, कितना पानी गिरना है वो ज़्यादा स्पीड होता है, स्लो होता है, बहुत बड़ा पाइप है, कम से कम 6 का पाइप है ये, और पूरा लो का बना है, बहुत भारी है, ताकि ऊपर इसका वायर है जो कनेक्शन है पूरा मशीन का, बीच में 10-10 फीट के आगे आगे 10-10 फीट का गैप है जो पूरा लगा है, और बहुत अच्छा काम करता है ये पूरा सिस्टम है। जो घास है, किस चीज़ की घास है वो बताएंगे आपको, क्या है क्या करते हैं, छोटा है। तो दोस्तों, ये पूरा जो सिस्टम है, ये कैसे चलता है, किस तरह चलता है, डीजल से चलता है या लाइट से चलता है, और आप सोच रहे होंगे ये राउंड कैसे घूमता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो
तो गाइस आप अगले वीडियो में इंतजार करें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा